दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं जो अपने फैशन और शौक को पूरा करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं। वैसे तो आमतौर पर महिलाएं इयररिंग डालने के लिए कान छिदवाती हैं, लेकिन फैशन के नाम पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने शरीर के कई हिस्सों में छेद करवा रखे हैं। इन लोग को देख कर डर लगता है। तो मैं हूँ फैक्ट वाली दीदी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ऐसे अजीब लोगों के बारे में जिन्होंने फैशन के नाम पर अपना चेहरा ही बदलवा दिया। तो ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। जोएल मिगलर। जर्मनी के रहने वाले 23 साल के जोएल मिगलर नाम के शख्स ने कान में छेद करवाया और उसे ऐसा करवाकर बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि जोएल ने अपने पूरे चेहरे पर करीब 11 छेद करवा लिए। उनके चेहरे पर सबसे बड़ा छेद 34 मिलीमीटर का है, जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग भी डरने लगते हैं। आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रॉल्फ वुचोल्स। रॉल्फ वुचोल्स जर्मनी के डॉर्टमंड शहर में रहने वाले हैं। ये पैसे से आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन दुनिया भर में इनकी पहचान गिनीज बुक में दर्ज इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से है। इनके नाम 453 पियर्सिंग कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें अकेले उनके होंठ पर करीब 158 पियर्सिंग हैं। इनमें से ज़्यादातर पियर्सिंग उनके चेहरे और पर्सनल पार्ट्स में हैं। वुकोज ने 40 साल की उम्र में अपने शरीर में पहला टैटू और पियर्सिंग कराई थी। तब से 20 साल तक लगातार उन्होंने अपने होंठ, भौं, नाक पर पियर्सिंग करना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सिर पर 2 सिंग भी लगा लिए हैं। इलेन डेविडसन। इलेन डेविडसन नाम की ये महिला ब्राज़ील की रहने वाली है और इन्होंने अपने शरीर पर करीब 6725 छेद करवा रखे हैं। उनके शरीर पर इतने सारे पियर्स देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उनके इसी शौक के कारण एलन का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। एक्सेल रोजलेस। एक्सेल रोजलेस नाम के इस व्यक्ति ने अपने पूरे चेहरे पर करीब 280 पियर्सिंग लगवा रखी है, जिस कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। उसका चेहरा इतने सारे पियर्सिंग लगवाने के बाद बेहद ही डरावना दिखता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप उसका चेहरा देखकर किसकी याद आ रही है। दोस्तों, इन लोगों को देखकर लगता है कि इन्हें इन चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी है, लेकिन यार भगवान ने हमें जैसा बनाया है सो समझ कर ही बनाया होगा ना। तो फालतू में प्लास्टिक सर्जरी करके या छेद करवा के अपने शरीर को नहीं बिगाड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।